नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप जहाँ होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज है 27 फरवरी और टाइम हो रहे हैं 2 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट किया, हम लखनऊ एयरपोर्ट पे हैं। देखिए, हमारे सामने चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस समय टर्मिनल 1 के पास हम खड़े हैं। हमारे साथ ये आलोक हैं यहाँ पे और हम यहाँ से हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दरअसल हमारे मौसा और आलोक के पिताजी जो हैं वो करीब 6 साल के बाद दुबई से जॉब करके वापस लौट रहे हैं। 6 साल से वहीं पे फंसे थे, मतलब जहाँ पे जॉब कर रहे थे वो कंपनी उनको वापस छोड़ ही नहीं रही थी, कहती थी वीज़ा बढ़ावा दे रही थी, जॉब करो, अगले महीने भेज देंगे। ऐसे करते करते 6 साल गुजर गए, आने नहीं दे रही थी। तो आए हैं आज, तो फाइनल की फ्लाइट जो है लैंडिंग हो चुकी है। हम लोग ओमान एयरवेज जा रहे हैं। ओमान एयरवेज का हम लोग उसका आईडी ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका साथ PNR सिस्टम होता है, फ्लाइट नंबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, हम तो ज़्यादा नहीं जानते, उससे ट्रैक कर रहे हैं आप लोग, तो देख रहे हैं। तो अभी हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं, तो यहीं पे हैं। तो एक आज आप देखिएगा एक पिता पुत्र का मिलन 6 साल बाद होगा। और लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और इनके घर से यानी कि मौसी और इनके भाई बहनों भी घर से लोग, यार ये लोग 6 साल के बाद अपने पापा से मिलेंगे, कोई भी होगा तो उत्सुक तो होगा ही। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। रात को 9 बजे से घर से खाना खा पी कर हम निकल गए थे, आ गए मोहम्मदाबाद से बस पकड़ के आ गए, मऊ से फिर ट्रेन पकड़ के आ गए वाराणसी से, फिर दौड़ते टिकट ले, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के दौड़ के आ कर ट्रेन पकड़े, वहाँ से ट्रेन पकड़ के आ गए 7:30 बजे सुबह आ गए थे हम लखनऊ में 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ से फिर मेट्रो पकड़ के यहाँ पे आ गए, यहीं पे घूम फिर रहे थे। तो ऐसे बैठे थे हम लोग, ब्लॉग शूट नहीं करते, लेकिन फिर हम देखे कि याद आ गया इनका कि मतलब 6 साल बाद इन लोगों का मिलन लगा, तब सोची कि हम शूट करना चाहिए ये मोमेंट। 6 साल बाद देखिए, कोई पास रहता था कदर नहीं समझता एक दूसरे का, अब 6 साल बाद देखिए ये लोग, इन लोगों की मुलाकात होगी। हम उसी पल का वेट कर रहे हैं और फाइनली उसी पल का वेट कर रहे हैं। आलोक, इनके चेहरे की आप उदासी मायूसी देख सकते हैं। दोस्तों, खैर हम लोग टर्मिनल 2 पर थे जो कि डोमेस्टिक टर्मिनल है और टर्मिनल 1 जो है वो इंटरनेशनल टर्मिनल है, तो 1 पे वो आ रहे हैं। तो हम लोग 2 पे थे तो 1 पे अब चल रहे हैं, पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। यार काफ़ी एक्साइटेड हम भी हो रहे हैं और हम आप लोगों को बता दें कि हम भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट के पास में, हालांकि एयरपोर्ट के अंदर तो अभी नहीं गए लेकिन एयरपोर्ट के बाहर भी फर्स्ट टाइम हमारा है। इतना करीब 25 साल की एज हमारी हो चुकी, अभी तक एयरपोर्ट पे हम नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम है एयरपोर्ट पे हम आए हैं मौसा को रिसीव करने के लिए हम लोग। तो ट्रेन उनका फ्लाइट तो आ चुका है, अब देखते हैं। यही है टर्मिनल 1 है, लखनऊ का टर्मिनल 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, टर्मिनल 1 पे आ गए और टर्मिनल 1 पे जो अराइवल यानी आगमन का गेट है उसके पास आ गए, यहाँ पे उनका फ्लाइट नंबर शो कर दिया है अंदर डिस्प्ले पे, अंदर डिस्प्ले चल रही है, इधर देखिए यहाँ पे शो कर दिया है W1 261 मस्कट लिख दिया है, अराइव्ड आ चुकी है, इसी फ्लाइट का वेट था और वो आ चुके हैं फाइनली। यार हम भी बहुत एक्साइटेड है, करीब 6 साल के बाद मौसा जी से मिलेंगे, आलोक तो है ही, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, देखते हैं, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट होगा। यार मेमोरेबल बनाना भी चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों, 2 फ्लाइट आई है, एक आ चुकी है, एक समय पे डिस्प्ले पे ऐसा हो रहा है WX261 मस्कट, ये आ चुकी है, इसी का वेट है हम लोगों को, और IX 144 ये समय पर है, ये 14:55 पे आएगी, ये तो अभी आने वाली है, आई नहीं है, तो जो आ चुकी है उसी का वेट है। इसमें से अभी 1 लोग बाहर आए हैं, इधर जा रहे हैं इस गेट से, मतलब इस गेट से नज़र नहीं हट रही है भाई, एक एक करके लोग बाहर आ रहे हैं यार।
दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, एक एक करके लोग आ रहे हैं, दो तीन बंदे निकल चुके हैं लोग। और देखिए अंदर एक एक लोगों का चेक कर रहे हैं, एक एक लोगों को बाहर निकालते जा रहे हैं यानी छोड़ते जा रहे हैं। ये यार सस्पेंस बना है, देखिए कितने टाइम में पूरा होता है। यार बहुत से लोग पता नहीं कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद, कितने सालों के बाद अपने लोगों से मिलेंगे, अपने लोगों के बीच आएंगे। यहाँ पे हमारी तरफ बहुत से लोग अपने लोगों का वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर इधर भी, और इधर देखिए कुछ लेडीज लोग भी इधर वेट कर रहे हैं, उधर पेड़ के पीछे इधर देखिए दो तीन लेडीज भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी, उधर भी लेडीज, यहाँ पे लेडीज भी आई हैं। यार आप सोच सकते हो जब कोई अपना फैमिली का, अपने लोगों के करीब रहने वाला जब दूर जाता है, अब काफ़ी समय के बाद मिलता है, तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी खुशी होती है मिलने के लिए कि देखो आदमी दौड़ते हुए चले जाता है। तो खैर उसी पल का बेसब्री से वेट है यार। यार हम काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे प्रेशर हमें भी हो रहा है, उसी पल का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक मुलाकात होती है। फिलहाल एक एक करके लोग आ रहे हैं यार, यही तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक ही साथ छोड़ रही है। खैर उन लोगों का सिस्टम है अपना, भाई सिक्योरिटी प्रोसेस जो भी होगी वो सारी प्रोसेस से गुजर कर ही यहाँ पे लोग आएंगे। जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा है, सबकी निगाहें अपने लोगों को ढूंढती हुई, सभी लोग देख रहे हैं एक दूसरे को कि हमारे लोग किधर हैं। यार जब कोई पास रहता है तो लोग उनका कदर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं और दूर जाते हैं। देखिए फिलहाल देखिए बुजुर्ग अंकल जी हैं, इनके घर के अभी कोई आपके बेटे आ रहे हैं? हाँ नहीं, हमारे सर हैं। आपके सर आ रहे हैं, अच्छा अच्छा तो अंकल जी हैं अपने सर के लिए यहाँ पे आए हैं, हम सोचे कि इनके लड़के आ रहे होंगे। मतलब अपने लोगों के लिए निगाहें सबकी इस गेट के सामने लगी हुई है, और उस गेट से जो आ रहा है उनकी निगाहें इन लोगों के बीच जुड़ रही है अपनों के, कि हमारे घर वाले, हमारे सदस्य के लोग, हमारे चाहने वाले किधर हैं लोग। यार यही होती है तन्हाइयाँ, इसी की नाम है दूरियाँ, जो दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। इंतजार की घड़ी बहुत ही कठिन होती है। Wanna come round now, stay around 5:30, stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really Finally दोस्तों, जिस क्षण का कल शाम से बेसब्री से इंतजार था वो यहाँ पर खत्म होते हुए। मूसा सामने देखिए, मूसा जी कल शाम से जिस क्षण की बेसब्री से इंतजार था वो यहाँ पर खत्म होते हुए। ये देखिए पिता पुत्र का मिलन, करीब छः सालों के बाद मौसा मिले हैं। मौसा कब गए लला? 2018 में 24 तारीख को गए। 24 मतलब 2000 कौन महीना? 24 अक्टूबर 2018 को गए थे, और आज यानी कि 27 फरवरी 2024 को आ रहे हैं। सोचिए करीब 6 सालों के बाद मुलाकात हो रही है। खैर कोई बात नहीं, मतलब सफ़र अच्छा रहा इनका, आगे मुलाकात होगी, सारी टेंशन ख़त्म, आराम से घर की अब जर्नी होगी। यहाँ से हम लोग का घर करीब 350 किलोमीटर पड़ेगा, देखते हैं कैसे आप लोग चलते हैं यार। फिलहाल आलोक ट्राली बैग लेकर चल रहे हैं, और इधर देखिए ये डोमेस्टिक वाला बहुत अच्छा बनाया है लोग, डोमेस्टिक वाला लुक, उधर इंटरनेशनल का था, ये डोमेस्टिक का था, टर्मिनल 2। फिलहाल इस समय मेट्रो स्टेशन पर हम लोग आ गए हैं, और देखिए सामने आ गए मेट्रो ट्रेन पकड़ के अब यहाँ से चलेंगे 4 बाग, 2 बैग और एक मैं थैला लिया हूँ, एक छोटा वाला पॉलिश लाया था लोग लिया है। तो खैर ये मेट्रो है, यहाँ से वापस रिटर्न होगा इधर ही लखनऊ में, यहीं पे
अमौसी के पास ही अंडरग्राउंड हो रही है ए, मेट्रो ने तो अभी तो कहीं नहीं देखे, और दिल्ली में कई जगह खैर होती है, तो यहाँ से मेट्रो से जर्नी प्रारंभ हो चुकी चार बाग के लिए। फिलहाल यहाँ बन के चलिए तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं खाली खाली अभी है। फिलहाल हम लोग चार बाग चले आए हैं, हम लोग क्लियर नहीं था कि बस कहाँ से मिलेगी, चार बाग से कि आलमबाग से, और आजमगढ़ के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस से आलमबाग से बस मिलती है, और हम लोग सोच रहे थे कि चार बाग से मिलती है। दरअसल ज़्यादा आगमन है नहीं कभी, हम बस यहाँ से लखनऊ से आजमगढ़ गए भी नहीं है, आज तक नहीं है, फर्स्ट बार ये भी रहेगा। तो इतना पता था कि बाग से मिलती है, कौन से बाग से मिलती है क्लियर नहीं थे, आलमबाग की चार बाग। तो हम लोग चार बाग चले आए, चार बाग से वापस ई रिक्शा से आलमबाग की तरफ चल रहे हैं, आलमबाग से सीधा बस पकड़ेंगे और आजमगढ़ से चलेंगे। फिलहाल आप रोडों पर ट्रैफिक देख सकते हैं लखनऊ के, फिलहाल बस मिल चुकी है और मौसा जी मस्त इंजॉय कर रहे हैं, जर्नी को नज़ारा देख रहे हैं और आलोक यहाँ पे मूवी देख रहे हैं, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस से होकर हम लोग आजमगढ़ चल रहे हैं। फिलहाल जैसे ही पहुँचे हम लोग आलमबाग बस स्टैंड पे, तुरंत ये बस मिल गई, तो अब इजी से 9-10 बजे तक हमारे ख्याल से हम लोग आजमगढ़ या मऊ की जर्नी कर लेंगे। खैर पूर्वांचल एक्सप्रेस से देखिए रोड जो है बहुत खूबसूरत, काफ़ी अच्छा बना है, कभी भी आप लखनऊ आइए, अगर आपको आजमगढ़ की तरफ जाना हो तो इस रोड से जाइए और इसका आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छा है, मस्त मज़ा आ जाएगा यार। फिलहाल इस समय हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं पीछे बसेस खड़ी हैं, और यहाँ पे इस ब्लॉक का नाम है टॉयलेट ब्लॉक, इधर साइड साइड नाश्ते के कुछ जलपान की दुकानें हैं, उधर टॉयलेट का सिस्टम है, ये सर्विस रोड बनाया गया है, उधर सिक्स लेन है, सर्विस रोड दिया गया है उस पर सारा सिस्टम है, थोड़ा सा रुकने की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था। तो यहाँ पे सामान का जो रेट है ना काफ़ी हाई है, अगर दो अंडे का आप ऑमलेट खाएंगे तो आप 50 रुपये, एक प्लेट छोला खाएंगे तो उसका 50 रुपये, एक आप ब्रेड खाएंगे, ब्रेड पकौड़ा, उसका आप 30 रुपये। आइए ना विश्वास हो तो आपको हम कुछ यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। अब लोगों की मजबूरी का ये लोग फ़ायदा, मतलब देखिए कितना ज़बरदस्त उठा रहे हैं, इस रोड पे दूर दूर दुकान नहीं है, यहाँ से अभी 106 किलोमीटर अभी आजमगढ़ बस स्टैंड है, गजब। यहाँ पे मालूम पड़ा यार ये यूपी नहीं, ये साला अमेरिका है, इसे महंगाई है। आइए आप लोगों को दो अंडे का आमलेट का भाव दर्शाते हैं, देखिए आप खुद सुनिएगा उसके मुँह से। भैया आमलेट कैसे है, दो अंडे का 50, दो अंडा दो ब्रेड 50। देखिए महंगाई सारे यहीं पे, अमेरिका है, यूपी नहीं है भैया, ये दो अंडा दो ब्रेड आपको खिलाएंगे 50 रुपये के यहाँ पे। आइए आपको छोला का रेट आपको जजाते हैं। भैया चाट कैसे प्लेट है, चाट कैसे 50 रुपये प्लेट चाट भी है। और आइए आगे भी आपको दिखाते हैं, चाय कैसे है, चाय कप भैया, ए ब्रेड, ए ब्रेड कैसे है, 30 रुपये प्लेट, ये 30 रुपये का एक ब्रेड है। तो फिलहाल यहाँ की महंगाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास ही है, आप देख सकते हैं, ये आजमगढ़ से 6 किलोमीटर पहले ये जगह, कौन सी जगह का नाम, आजमगढ़ से 106 किलोमीटर पहले इस जगह क्या नाम है, जगह का सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सुल्तानपुर बता रहे हैं, और ये जगह का रीजन में नाम नहीं पता, लेकिन इसमें टॉयलेट ब्लॉक नामक की जगह है, मतलब प्रेजेंट में इस लोकेशन का नाम है। इधर टॉयलेट का सिस्टम है, ये नाश्ता जलपान का सिस्टम है, इधर थोड़ा सर्विस रोड है तो देख सकते हैं बहुत से लोग अपना जलपान कर रहे हैं, उधर बस से जाएँ। भाई साहब महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, कभी भी आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़े तो अपना नाश्ता क्या खाने की व्यवस्था कुछ करके चलिए, नहीं तो यहाँ पर आप लोग लूटेंगे वो कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हम लोग कुछ नहीं खा रहे हैं भाई साहब, इतना पैसा आइया नहीं है। 3:30 बजे का लखनऊ से चले और 9:50 हो रहे हैं, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मऊ बस स्टैंड, सामने देखिए मऊ का बस स्टैंड है, और नीचे हम लोग इधर, और इधर कुछ दुकानें देख सकते हैं आप। करीब 6.5 घंटे की हम लोग जर्नी रही, 6.5 घंटे की जर्नी करके मऊ आ चुके हैं, अब यहाँ से घर जाना है, अब देखिए यहाँ से भी
बस का वेट मिलती है, क्या करता है अब वेट करते हैं, मिलनी चाहिए बस। सोचे कि परेशान होना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, यहाँ से भी बस मिल गई। अब मोह से जल्दी हम लोग फाइन दास की बुक करिए बहुत ज़ोरों से। बगल में चिप्स पड़ा है, सोच रहे हैं कि इधर से यार व्यवस्था करके लिया जाए। क्या किया जाए, फिर कोई बात नहीं, कुछ देर में एक घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। नींद भी बहुत तगड़ी लग रही है और भूख भी लग रही है दोनों, वो सब पीछे बैठे हैं लोग, पास में सामान ही है। पौने 11 बज रहे हैं और फाइनली हम लोग फाइन दास पहुँच चुके हैं। ये देखिए सुजीत भाई साहब कार लेकर आए हैं, उनका आर्मी का लोगो लगाया, उनके भैया जी आर्मी में रहते हैं तो लोगो लगाए हैं अपना। कार से चल चलेंगे आराम से। फाइनली रात के 11 बज रहे हैं और मौसा अपने घर आ चुके हैं, यानी हम भी मौसा के घर आ गए मौसा के साथ। देखिए ये घर जब से बना है तब से फर्स्ट टाइम है इसमें आए हैं। इस घर की ये नींव डालकर चले गए थे, ये नींव डालकर, ये दीवार से लेकर छत का काम इनके गैर मौजूदगी में हुआ है, इसको आलोक और मौसी ने देखा है। तो ये नींव डाले थे घर के, मिट्टी पाट के गए थे, तो ये बाहर थे तो इनकी गैर मौजूदगी में ये घर बना है, तो आए हैं अपना घर देख रहे हैं। तो खैर 6 साल से दूर थे और 6 साल के बाद देखे ये मौसी इनके चेहरे। और ये आप शेख जी, आप ये आलोक सही का, आलोक सही का तला कि सबसे ज़्यादा आप सबसे खुश हुई, आलोक कह रहा था सबसे ज़्यादा भाई साहब अभिषेक की खुशी होगी। ये अभिषेक के बड़े भाई हैं, इनको थोड़ा सा पोलियो के शिकार हैं, पोलियो मोस है ना, पोलियो पोलियो से एक अंग पोलियो ही रहा ना, लोग पोलियो कल जाला ना। ये अभिषेक जी हैं सबसे मस्त आदमी ना अभिषेक, खाना खिला प्रिंस कहाँ भाई ना। और देखिए आपको दिखाते हैं, ये है प्रिंस जी। अरे भाई साहब ये देखिए पढ़ने की व्यवस्था बढ़िया बनाया है सब बच्चे, ये बढ़िया सिस्टम है। यहाँ है चन्ना दीदी रागिनी, कंबल में छुपी है। तो अब रात हो चुकी है, अब खाना खाया जाएगा और सोया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही पेंट करते हैं, आई होप हमारी जर्नी आपको पसंद आई होगी। और इस जर्नी को हम आज की वीडियो नहीं शूट किए होते, शूट करने का मेन मतलब था कि मतलब एक मोमेंट जो होता है 6 साल बाद मौसा अपने घर वालों से मिल रहे हैं, उसको कैप्चर करना था हमें, इसलिए हमें वीडियो शूट किए, नहीं तो ये वीडियो नहीं शूट किए होते हैं। तो चलिए आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, चलते चलते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माता दी।